This video is brought to you by Howzat. Download the app now. अंपायर वीरेंद्र शर्मा, अरे वही जिनको मलान वाले केस में हमने संदेह का लाभ दे दिया था। सूर्य कुमार यादव और वॉशिंगटन सुंदर को आउट देने वाले वीरेंद्र शर्मा उस मैच में थर्ड अंपायर थे। अब दूसरे वनडे में ग्राउंड अंपायर, यानी अब पहला फैसला उनको ही लेना था। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए? लेजेंड्स कहते हैं नहीं, और सच भी है, वीरेंद्र शर्मा पर फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वैसे ही कमाल के फैसले लेना जारी रखा। वीरेंद्र इस मैच में ऋषभ पंत के पीछे ऐसे पड़े थे जैसे गली क्रिकेट में बैटिंग टीम का अंपायर। वहां तो खैर अपनी बैटिंग आने का लालच होता है, लेकिन यहां वाली बात समझ नहीं आई। घंटों रिसर्च कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउजेट पे आओ, हाउजेट पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट howzat.com एंड मेक योर टीम नाउ। अगर आपने मैच देखा हो तो बढ़िया, नहीं तो हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। विराट कोहली के आउट होने के बाद ऋषभ पंत बैटिंग पर आए और थोड़ी ही देर में हालात जज्बात बदलने लगे। 38वीं ओवर की आखिरी गेंद पर पंत ने आदिल रशीद की गुगली को एक घुटने पर बैठकर मिड विकेट के स्टैंड में भेज दिया, और अब अगले ओवर में रीसी टोपली की आखिरी गेंद को उधर ही मार चौका भी ले लिया। अब 40वां ओवर लेकर आए टॉम करन। जनता भारत के रन बनाने की स्पीड से असंतुष्ट थी और पंत करन की दूसरी गेंद पर चौका मार उसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह चौका इस ओवर से आई एकमात्र बाउंड्री रही। और इसी तड़प में पंत ने ओवर की आखिरी गेंद पर वही करना चाहा जो वह जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर के साथ कर चुके हैं, बोले तो उल्टा स्कूप। पंत ने उल्टा स्कूप मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले का स्वीट संपर्क नहीं हो पाया और मैच देख रहे लोग बोल पड़े, अरे यार क्या जरूरत थी इस शॉट की। ऐसा लगा कि गेंद पंत के जूतों से लगकर निकली। इंग्लैंड ने अपील की और अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने आउट दे दिया, लेकिन पंत कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने तुरंत DRS ले लिया। रिव्यू में पता चला कि बॉल पंत के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर निकली थी और साथ ही साथ लेग स्टंप भी मिस कर रही थी। पंत बच गए, लेकिन नुकसान तो हो गया क्योंकि पंत के बल्ले से लगकर बाउंड्री के बाहर गई गेंद को डेड घोषित कर दिया गया, और इस डेड पर जो चौका लगा वो आया नहीं। पंत के खाते में जो 4 रन आ रहे थे वो मेंटेनेंस के नाम पर काट लिए गए, लेकिन शर्मा जी इतने पर ही रुक जाते तो ठीक था, वह नहीं रुके। टॉम करन का अगला ओवर, पारी का 42वां। पहली दो गेंदों पर राहुल ने छक्का और चौका जड़कर तीसरी गेंद पर सिंगल ले लिया। अब स्ट्राइक पर ऋषभ पंत, ओवर की चौथी गेंद, शॉट थी, पंत ने मारने की कोशिश की लेकिन गेंद उन्हें पार करती हुई विकेट कीपर के पास पहुंच गई। शर्मा जी ने फिर से उंगली खड़ी कर दी और पंत ने तुरंत ही रिव्यू ले लिया। अब की बार पता चला कि गेंद उनकी बांह पर लगने के बाद हेलमेट पर लगकर तब विकेट कीपर के पास गई थी। लगातार ओवर्स में वीरेंद्र शर्मा के इन फैसलों से ट्विटर की जनता कुपित हो गई, और देखते ही देखते वीरेंद्र शर्मा और अंपायर शब्द ट्रेंड होने लगे। अंत में ऋषभ पंत 40 गेंदों पर 77 रन बनाकर आउट हुए और उनका आउट होना थर्ड अंपायर ने ही कन्फर्म किया। पंत की इस पारी में 3 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 192.5 का रहा। वनडे क्रिकेट में आज से पहले इस स्ट्राइक रेट के साथ किसी भी भारतीय ने इतनी बड़ी पारी नहीं खेली थी। हाँ, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों पर शतक जरूर जड़ा था, लेकिन उस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 192.3 का रहा था। और अजीत अगरकर ने जब 25 गेंदों पर 67 रन मारे थे तब उनका स्ट्राइक रेट 268 का था, लेकिन उनकी पारी पंत से 10 रन छोटी थी। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, कैमरे के पीछे थे मिथिलेश, शुक्रिया।